टीचर खुद गुड मॉर्निंग बोलता है, बच्चे जो कहते हैं वाह क्लैपिंग फॉर यू राइट सिट अप। ना मेरा क्यों है चलो कल हम लोगों ने कहां तक किया था? हाँ, हुक्स लॉ करने वाले थे। आपने कुछ प्रॉब्लम्स किए, कुछ डाउट आया, पूछोगे? चलो पूछ लो, डाउट्स पूछ लो। हाँ होगा होगा, हो सकता है ऐसा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो बोलो। दो फोटो खिंचा ली? हाँ सर। फोटो खिंचा ली? हाँ सर। गुड, ये वाला? हाँ सर। ठीक बैठो। कम कम पायल 12.5। ठीक जाओ, करता हूँ। ठीक, एक एक करके बाबा। अरे बाबा, चलो क्वेश्चन नंबर 12.7 क्या कहता है? कंसीडर अ सॉलिड क्यूब व्हिच इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 6×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ड्यू टू दिस प्रेशर the each side of cube is shortened by 2%. Find out the volumetric strain. ठीक है, find out the volumetric strain. इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आ रही आवाज? नहीं आ रही। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12.7। क्वेश्चन नंबर 12.7 एक डायरेक्ट मेथड है, पहले उससे करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एक क्यूब होता है कि नहीं? वॉल्यूम का क्यूब कितना होता है? एक क्यूब होता है। अब मुझे बताओ, हमने एक एरर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, एरर कंसेप्ट याद है आपको? अरे बोलो, क्या होता था बताओ तो? अगर ये इक्वल टू ए क्यूब है ना, ए में कुछ एरर है तो इसमें कितना एरर होगा? क्या करते थे? 3 times, है ना, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 3 times परसेंटेज एरर इन ए, याद है? ऐसा करा करते थे। ठीक है, तो बेटे कितना ये साइड कितना चेंज हो रहा है? 2% ना, 2% क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 3×2% क्या हो जाएगा? 6%। आगे के बात समझो, देखो तो आ गया क्या आंसर? आया क्या आंसर? नहीं समझा? अरे तो 6% को 6/100 नहीं आया क्या समझ में? तो ये एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ। मैं क्या बोलता हूं कि कभी भी अगर परसेंटेज चेंज छोटा हो, 1%, 2%, 4% ऐसा, तो आप वहां पर एरर के कंसेप्ट लगा सकते हो, आपकी चीजें क्या हो जाती है? काफी आसान हो जाती है। देखो इसमें कितना लंबा शॉल किया है, कहाँ गया? डर लग गया? हाँ, तो रजाई ओढ़ के सो जाना था, है?
जब डर लगे तो ऐसा मुंह ढकने का और सो जाने का। क्लियर है? आगे क्या बात समझ में? ओके डन। दूसरा मेथड बताऊं? इट्स ओके। जब लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा, ज्यादा परसेंटेज रहा, तो क्या करेंगे? तब फिर लॉन्ग मेथड लेना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड कभी, ये कब मेथड लागू होता है बेटा? जब 2-4% छोटी छोटी चेंजेज होंगी, बड़ी चेंजेज होंगी तो फिर क्या करेंगे भाई? तो मान लेंगे पहले कितना था, एल था, है ना, एल 2% क्या हो गया, कम हो गया, 2% कम हो गया, तो कितना परसेंट बचा बेटा? 98%। 98% यानी 0.98 L बचा। नहीं, पहले वॉल्यूम कितना था बेटा? एल क्यूब। अब कितना हो जाएगा? 0.98 L का क्यूब। तो ये हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम और ये हो गया न्यू वॉल्यूम, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। नहीं समझा? ये लॉन्ग मेथड हो गया। अच्छे से समझा? इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, आ जाएगा, पता चल जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। नहीं समझा? क्लियर है? कर लोगे? लीजिए। हाँ, आप कौन सा बोले? और 12.3। क्वेश्चन नंबर 12.3 एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 12.3। ठीक, क्या कह रहा है बेटे? कंसीडर अ रॉड ऑफ स्टील हैविंग रेडियस ऑफ 8 mm एंड द लेंथ ऑफ 2 मीटर। इफ अ फोर्स ऑफ 150 kN स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ, देन कैलकुलेट द स्ट्रेस परसेंटेज स्ट्रेन इन द रॉड इफ द इलोंगेशन इन लेंथ इज 7.46 mm। ठीक है, क्या क्या चीज गिवन है बेटे? रेडियस दिया हुआ है, ये रॉड हुआ है ना, इस रॉड का जो रेडियस है वो कितना है? 8 mm। mm जानते हो ना बेटे? 10⁻³ मीटर। लेंथ कितना है? 2 मीटर। ये एल हो गया। हाँ, फोर्स दिया हुआ है 150 kN। किलो न्यूटन, किलो मतलब, किलो मतलब, ठीक है। और क्या दिया है? कैलकुलेट दी स्ट्रेस। क्या चाहिए बेटा? स्ट्रेस चाहिए। और क्या चाहिए? स्ट्रेन। कैलकुलेट दी स्ट्रेस, परसेंटेज स्ट्रेन, परसेंटेज स्ट्रेन। और क्या चाहिए? इलोंगेशन यानी डेल एल। कितना दिया है? 7.46 mm। 7.46 mm, 8 mm। हाँ ठीक है, 2 मीटर का। समझ गए क्या? अब बताओ आप में से कितने लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि कौन सा चीज क्या गिवन था? मतलब आप ये लिख पा रहे थे कि क्या क्या चीजें गिवन है, या इसमें भी तकलीफ है? बताओ, कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि जो गिवन चीजें हैं वो है क्या। ऐसा तकलीफ होता है क्या आपके साथ? अगर होता है तो ईमानदारी से बताओ, बोलो होता है? नहीं ना? हाँ ठीक है, तो जहां भी ऐसा हो तो बोलने का। ठीक है, तो बेटे यहां पर हमें ये सारी चीजें दिया हुआ है, स्ट्रेस निकालना है। तो बताओ स्ट्रेस के लिए हमने क्या पढ़ रखा है? बताओ स्ट्रेस क्या पढ़ रखा है? फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया बेटा? कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर कौन है क्रॉस सेक्शनल एरिया? ये वाला है। कितना होगा इसका एरिया बेटा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स कितना है देखो? तो सब चीज तो गिवन है, 150 × 10³ अपॉन एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। आर हो गया 8 × 10⁻³ का स्क्वायर। आगे सिंपलीफाई करोगे खुद से? समझ गया। यहां से आपको पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या करने बोल रहा है? स्ट्रेन का परसेंटेज। तो पहले हम स्ट्रेन निकाल लें। बताओ स्ट्रेन क्या था? स्ट्रेन क्या था बेटे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डेल एल बाय एल। डेल एल कितना है? 7.46 mm यानी 10⁻³। और एल कितना है? 2 मीटर। तो इतना क्या हो गया बेटा? स्ट्रेन हो गया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। तो इनटू क्या कर लेंगे? 100।
इतना परसेंट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लोगे इसके आगे, एक दो माइनस वन बच जाएगा बेटा, तो 0.746/2 है ना, 0.746/2 तो 0.35 के आसपास आएगा। देखो आया ना 0.37%। नहीं समझा, आ गई बात समझ में? और कुछ निकालने बोल रहा है? और कुछ नहीं बोल रहा है, हो गया कहानी खत्म। बोलो आया समझ में आपको? लीजिए बुक लीजिए। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12.5। ओके अगला क्वेश्चन 12.5 मिटा डालूं? क्वेश्चन नंबर 12.5 ठीक है, ये क्या कह रहा है? टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg and 3 kg आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर। एक पुली लिया, पुली से दो बॉडी को लटकाया, ठीक है, एक तरफ क्या है बेटा 2 kg का और एक तरफ 3 kg का, 2 kg 3 kg, और वायर जो है वो मेटल वायर है, मेटल वायर है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? व्हाट वुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर? हमें ये जो वायर है उसका ये थिकनेस होगा ना कुछ इस वायर का, ठीक है, उसका अपने को क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, टू यूज्ड इफ इट इज नॉट टू ब्रेक। ओके क्वेश्चन समझ में आया? अब ये आपको क्या चीज नया लगा इसमें? ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस नया लगा। तो ब्रेकिंग मैंने क्या बोला था, अगर मैं किसी चीज को ऐसा खींचूंगा, फोर्स लगाऊंगा, उस पर स्ट्रेस लगेगा, एक लिमिट तक जब तक मैं स्ट्रेस लगाते जाऊंगा स्ट्रेन होता जाएगा, स्ट्रेस लगाऊंगा स्ट्रेन होगा, है ना, लेकिन एक लिमिट तक ही ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने से पहले, बिफोर ब्रेकिंग, उस समय तक जो है वो मैक्सिमम टेंशन के कंडीशन में होगा। एक बार ब्रेक हो गया तब तो टेंशन ही खत्म हो गया, है ना, तो बिफोर ब्रेकिंग, ब्रेक होने से जस्ट पहले जो है वो मैक्सिमम टेंशन पर है, ठीक है। तो कोई बॉडी जितना टेंशन बिना ब्रेक हुए झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। वो स्ट्रेस जिसके बाद वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसके पहले तक सेफ है, उसके बाद टूट जाएगा, समझा, उसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इसको पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो इस स्ट्रिंग के लिए ये पार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पार हो जाएगा तो टूट जाएगा, हमको तोड़ना नहीं है, है ना, क्या बोल रहे हैं? नॉट टू ब्रेक, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इसमें हम स्ट्रेस दे सकते हैं वो इतना दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा देंगे तो टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। कर ले आगे बोलो, तो क्या हो गया बेटा? सबसे पहले हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए इसमें फोर्स चाहिए, फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा? तो इधर आएगा क्या? 3g है, ऊपर जाएगा टेंशन, इधर जाएगा 2g, ऊपर जाएगा टेंशन, भूल गए ये सब NLM की चीजें है ना। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे पीछे का कोई लेना देना नहीं है, ये फिजिक्स है भैया, फिजिक्स थोड़ा तो लगेगा, इतना भी नहीं लगेगा तो कैसे काम चलेगा, समझा कि नहीं? तो बेटे बताओ कैसे निकाला करते थे टेंशन? तो बेटे इधर 3g है, इधर 2g है ना, सीधा करके देखोगे तो क्या होगा, एक तरफ 3g एक तरफ 2g, तो एक नेट फोर्स लगेगा ना, किस तरफ लगेगा बेटा? 3g की तरफ। कितना नेट फोर्स लगा? 3g माइनस 2g, ये वाला फोर्स नेट हो गया। नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास टोटल कितना हुआ बेटा? 3 2 5
फाइव इंटू ए, तो बेटा नेट एक्सेलरेशन जो आया वो आया जी बाय फाइव। ठीक है, कौन किधर गया बेटा, ये नीचे और ये ऊपर, नहीं समझ आया? ठीक है, इतना हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब बेटे यहां पर अगर मैं देखो g बाई फाइव क्या हो गया बेटा, टू, g का टेन, फाइव का फाइव टू जा टेन हो गया, तो ये a एक्सेलरेशन हो रहा है। इस पर लगाओ तो बेटा फोर्स इक्वेशन बताओ, इसका फोर्स इक्वेशन क्या लिखाएगा, जल्दी बोलो फोर्स इक्वेशन इसके लिए। अरे बोलो, कुछ भी नहीं याद है, थ्री जी माइनस टेंशन बराबर थ्री इंटू टू, तो क्या हो गया 30 बराबर 30 उधर से आ जाएगा 6 बराबर t, तो t बराबर आ गया 24 न्यूटन, तो टेंशन आ गया भाई हमें, तो ये जो वायर है इस वायर पर कितना टेंशन लग रहा है 24 न्यूटन। टेंशन क्या होता है, फोर्स ही तो है, टेंशन क्या होता है फोर्स ही तो है, तो स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन इज 24, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेस होना चाहिए 2 × 10⁻¹. 24 बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 24 बाय 2 × 10⁻¹. तो बेटे आगे क्या करोगे, आगे सिंप्लीफाई करोगे, है ना, आगे का काम कर लोगे, रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, समझा कि नहीं, कर डालो। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आंसर आपका। कर लोगे ना आगे सिंप्लीफाई, और किसी को, और किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बोलो। और किसी के पास है कि आगे बढ़ूं मैं, बोलो आगे बढ़ जाऊं, क्या क्या लास्ट टॉपिक हमने क्या डाला था, हुक्स लॉ हो गया, लिखा दिया था कि शुरू करना है, हुक्स लॉ लिखा दिया था कि शुरू करना है, हो गया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वहां तक लिखा दिया था। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने क्या देखा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, यूनिट वगैरह लिखा दिया था मैंने, हाँ डायमेंशन वगैरह यूनिट वगैरह सब लिखा दिया था। ओके वेरी गुड, अगला हेडिंग डालो, साउंड नहीं आ रहा है, उनको बोलेंगे क्या, हिल गया क्या यहाँ से, हेलो आवाज आ रही है बच्चे उस तरफ, फिर भी नहीं जा रहा है क्या आवाज, हाँ नहीं यहां से तो अभी कुछ भी नहीं हिला है,
हेलो आ रही है आवाज? क्या बोली मैडम? अच्छा हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 है? हाँ नहीं तो अभी तक तो आ रही थी ना, अचानक से क्या होगा, कहीं से टूटा वायर? वायर तो नहीं टूटा। हेलो 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 करे। हेलो हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो क्या हुआ? क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, चलो मौका के टाइम पे स्पीक करने का।
आवाज आ रही बच्चे लोग? हेलो, एम आई ऑडिबल? नहीं। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ आ रही, हाँ हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही, आवाज आ रही मुझे, ये आया उधर बुक में, है ना, आ रही है ना उधर बुक में आंसर ना सर डिफरेंट है, तो पाई की वैल्यू डिफरेंट इसलिए हुआ क्या? क्या है आंसर? इतना तो आएगा ही नहीं पगली। नहीं, हेलो हेलो हेलो, इतना आएगा ही नहीं ये, अपॉन में 10:9 है और तुम्हारा ऊपर में 10:9 आया। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, ओके, कब आजादी मिलेगी इससे तारों के जंजाल से? ओके, तो हम लोग क्या करने वाले थे, आगे स्टार्ट करने वाले थे, है ना? तो बात कर रहे थे हम लोग किस चीज का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ चुके थे, हुक्स लॉ पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने क्या देखा था बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने तीन तरह के स्ट्रेस और तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े, तो इसके रेशियो भी कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं। तो पहला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, फर्स्ट क्या है बेटे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आ रही बात समझ में, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इसको डी से शो करेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से शो करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीन प्रकार के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इनको पढ़ेंगे। पहला डाल दीजिए हेडिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शुरू करें। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं बेटे, ये रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हाउ टू डिफाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलो लिखो इसका डेफिनेशन,
it is defined as the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके, दैट इज करके ये लिख लो, दैट इज वाई बराबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. तो बेटे अगर मैंने एक वायर ली और इस वायर को ऐसा लटका दिया, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, L है. जब हमने इसमें कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, सपोज इंक्रीज कर गई, कितनी इंक्रीज कर गई, डेल L, ठीक है. और क्या लगा रहा हूँ मैं, फोर्स F, ठीक है बेटे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है. तो बताओ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना हुआ, क्या पूछ लिए सर, ऐसा सवाल आपने पूछ लिया, हमें आता ही नहीं. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना, काई झाला बेगनी, एफ अपॉन ए, है ना. क्या क्या करते हो तुम लोग, कालाकारी करने लगते हो एकदम से. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया. और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाय एल. वेरी गुड, समझा. अब इसको क्या करना है, यहाँ रख देना है. तो देयर फॉर वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ अपॉन ए अपॉन डेल एल बाय एल. ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, एफ एल ऊपर चला जाएगा और ए डेल एल नीचे रह जाएगा. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हो. नहीं समझा, अच्छे से समझा, नोट कर लो. ओके, बोलूं आगे. चलो भाई, तो यहां से ये जो आया हमारे पास फॉर्मूला वाई बराबर एफ एल बाय ए डेल एल, ठीक है. अगर बच्चे मुझे ये चाहिए, क्या चीज, डेल एल यानी चेंज इन लेंथ, अगर मुझे सिर्फ चाहिए तो चेंज इन लेंथ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डेल एल बराबर एफ एल बाय ए वाई. समझा क्या. तो अगर हमें ये पता करना है कि हमने कोई फोर्स एफ लगाया है ना, और उस मटेरियल का, देखो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है. हर एक अलग अलग प्रकार की मटेरियल के लिए y क्या होगा, अलग अलग होगा, यंग्स मॉडुलस अलग अलग होगा. समझा क्या. तो आपको y गिवन रहेगा यानी यंग्स मॉडुलस गिवन रहेगा, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन रहेगा, लेंथ गिवन रहेगा, कितना आप फोर्स लगा रहे हो उस पर लॉन्गिट्यूडिनली है ना, वो गिवन रहेगा. तो आप क्या पता कर सकते हो, कितना उसके लेंथ में चेंज होगा है ना, चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हो. आ रही बात समझ में. चल यहां तक नोट कर लिया आपने. आगे बढ़ूं, स्पेशल केस, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स रहेंगे बच्चे. अब मैं एक स्पेशल केस की बात करता हूं, स्पेशल केस है ना. मान लो एक रॉड है, उसको हमने लटकाया, ठीक है बच्चे, इसको हमने लटकाया, तो ऑब्वियस सी बात है रॉड का खुद का भी तो वेट होता है ना, रॉड का खुद का वेट होता है,
तो खुद के वेट की वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेस लगेगा और उस स्ट्रेस की वजह से भी क्या होगा, स्ट्रेन होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रेन होगा तो लेंथ में चेंज होगा, और अगर हमें चेंज इन लेंथ वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्पेशल केस क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ अ रॉड, चेंज इन लेंथ ऑफ अ रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट की वजह से उसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? चलो तो कैसे करेंगे बेटा, तो मान लो हमने एक रॉड ले लिया जिसका मास कैपिटल M है, लेंथ कैपिटल L है, ठीक है, मास कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल L है, यंग्स मॉडुलस इसका Y है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, समझ गए बेटे। तो क्या करें हम, ये जो बॉटम सरफेस बॉटम पॉइंट है वहाँ से मैं x ऊपर गया बेटा, ठीक है, x ऊपर गया और वहाँ पर मैंने एक छोटी सी रॉड को काट ली, यानी एलिमेंट काट लिया। आप में से कोई मुझे इसका लंबाई बता सकता है? चलो मैं इस लंबाई को dx कहता हूँ। क्या कहता हूँ? dx कहता हूँ। तो बेटा जो ये dx पॉइंट है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसके नीचे का जो रॉड है वो किससे सपोर्टेड है, इस पॉइंट से सपोर्टेड है, यानी इसका जो वेट है, इस लटकते पार्ट का जो वेट है ना, वो इसके ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा? आप मुझे ये लटकते पार्ट का मास बता सकते हो बेटा? कोई बता सकता है मुझे इस लटकते पार्ट का मास? यूनिफॉर्म रॉड है तो आपको पता है, यूनिफॉर्म रॉड है तो क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, एम बाई एल इंटू इसकी लंबाई क्या है, एक्स, इस पार्ट का मास आ जाएगा m बराबर m बाय l इंटू एक्स। नहीं समझते हो, याद करो मैंने आपको पिछले ही चैप्टर में बताया है, लेमडा सिग्मा रो, लेमडा रहता था तो मैं क्या बोलता था, dl से मल्टीप्लाई करो, सिग्मा रहता था तो मैं क्या बोलता था, dA से मल्टीप्लाई करो, रो रहता था तो मैं क्या बोलता था, dB से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ लेमडा यानी मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया, रो मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना हुआ पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन। कितने लेंथ का चाहिए, एक्स लेंथ का चाहिए, तो एक्स लेंथ रख लिया हमने, कुछ दिक्कत है बोलो? तो इस पार्ट का मास एम है, तो वो पार्ट का जो मास है बेटा यानी उसका वेट है वो यहाँ से लटकेगा, लटकेगा कि नहीं, तो वेट कितना हो गया बेटा, एम इंटू जी यानी एम बाय एल एक्स जी, इतना वेट यहाँ से लटक रहा है। और इसकी लंबाई कितनी है बेटा, डी एक्स है ना, तो इसमें कितना चेंज आएगा अगर हम ये देखना चाहें, ठीक है। तो चूंकि हमने क्या पढ़ा है, डेल एल बराबर क्या होता है, एफ एल बाय ए वाई, है ना, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि छोटा सा चेंज हुआ डी एल, है ना, फोर्स कितना लगा उसके वेट के बराबर, वेट कितना है बेटा, एम बाय एल जी इंटू एक्स, है ना, और हम कितने से रॉड को देख रहे हैं, इतने से डी एक्स को, तो इंटू क्या हो गया, लेंथ मेरा डी एक्स अपॉन एरिया ए और वाई। नहीं समझ आ रहा है ना कुछ भी आप लोगों को, हाँ ठीक है, तो क्या हो गया देखो, एम जी बाय एल ए वाई और एक्स डी एक्स, ठीक है, ये छोटा सा चेंज आया। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या चीज़ है, एक्स है ना, एक्स वेरिएबल है, तो कहाँ से कहाँ तक एक्स हो सकता है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो मुझे अगर टोटल उसके लेंथ में कितना चेंज आया ये पता करना हो तो क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, है ना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन होता है, ये स्मॉल स्मॉल डी एल को इंटीग्रेट करना, यानी टोटल डेल एल पता चल जाएगा,
यहाँ पर क्या चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जो बाकी चीजें बची एक्स डी एक्स है ना, कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो जीरो से लेकर के है ना एक्स, पहला कहाँ बेटा, पहला कहाँ कटेगा यहाँ, आखिरी कहाँ कटेगा यहाँ, तो पूरा रॉड कवर हो गया, तो जीरो से लेकर के एल तक है ना, जीरो से लेकर के एल तक, तो एम जी अपॉन एल ए, बताओ उसका इंटीग्रेशन कितना, जल्दी बोलो एक्स डी एक्स का, बहुत कठिन है ना, नहीं सब इतना आसान चीज है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से एल, लिमिट रखो, बताओ क्या हो रहा है, लिमिट रखो, क्या हुआ एल स्क्वायर बाय टू, बाकी जीरो हो गया, तो एक एल और एक एल कट गया बेटे, क्या आया देखो एम जी एल बाय टू ए वाई, ठीक है, तो देखो कितना चेंज आया खुद के वेट की वजह से, तो डेल एल बराबर एम जी एल बाय टू ए वाई, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पर यूज कर सकते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या दो अलग अलग चीजें हैं, वेट की वजह से, अगर मैं इतना वेट लटकाऊं तो अलग इंपैक्ट होगा, और जब मैं कहता हूं खुद के वेट की वजह से, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, मैं एक चीजें बोलूं कि ये रॉड है और इसमें मैंने एम जी का वेट यहां लटकाया, तो ये एक एक्सटर्नल चीज हुआ है ना, एक अलग से वेट लटकाया, ठीक, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं इसके खुद के वेट की वजह से, सारी बात समझ में, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, अगर मैं बाहर से कुछ वेट लगा रहा हूं ठीक है, तो सीधा वो वेट जो है वो फोर्स के बराबर हो जाएगा है ना, और यहाँ पर वो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा W आ जाएगा, W यानी mg, mg l by ay हो जाएगा, लेकिन अभी देखो आपके पास क्या आया है फॉर्मूला, mg l by 2ay आया है, इसका आधा आया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटर्नल वेट, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, ये खुद के वेट की वजह से, ठीक है, तो आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक बोलेगा कि एक लाइट रॉड है और उसको हमने इतना वेट दिया या इतना फोर्स दिया, तो वो एक सेपरेट चीज हुआ, बट जब आपको कहता है ड्यू टू इट्स ओन वेट, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला है ना, अदरवाइज वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एफ एल बाय ए वाई, नहीं समझा, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ये अगर रॉड है और इसका बोला कि खुद के वेट की वजह से, तो फिर क्या करना, तो फिर क्या करना कि आपको पता है, क्या पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, बीच में, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, पढ़ा है हमने सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट में यहाँ पर इसका क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, वो भी यही होगा, तो जो टोटल मास है यानी टोटल वेट है वो यहाँ लगेगा, कितना हो गया एम जी, लेकिन अब ये लेंथ कितना बचा, ओनली एल बाय टू, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेल एल बराबर क्या एफ एल बाय ए वाई, फोर्स कौन सा, वेट कितना एम जी है ना, और लेंथ कितना हुआ एल बाय टू, तो देखो टू ए वाई हो गया एम जी एल बाय टू ए वाई, ठीक है, तो ये लॉन्ग मेथड वो शॉर्ट मेथड, ध्यान ये रखना है कि अगर बाहर से वेट टंगाया है तो सीधा एफ एल बाई ए वाई यूज करेंगे, खुद के वेट की वजह से बोल रहा है तो या तो सेंटर ऑफ मास पे काम करेंगे है ना, वहां से लेंथ पकड़ेंगे, अदरवाइज एम जी एल बाई टू ए वाई यूज करेंगे, समझ गए क्या, कंफ्यूज नहीं होगी ना, ओके, नोटेड,
देन मिठा डालूं, अब मिटाऊं? नहीं, अभी भी नहीं, कभी तो हाँ बोल दिया करो। एक और स्पेशल केस, स्पेशल केस, अगर मान लो एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इस पर एक रॉड रखा हुआ है जिसका मास टोटल कैपिटल M है, लेंथ टोटल कैपिटल L है और लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि इसके लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, इसके लेंथ में कितना इंक्रीज होगा। यंग्स मॉडुलस y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है, जानना चाहते हैं कि इसके लेंथ में कितना इंक्रीज होगा। तो क्या करेंगे, देखो अगेन, अगर मान लो मैं इधर से x पे गया, ओके, और यहां पर मैंने dx काटा, ठीक, x पे जाकर के मैंने dx काटा, तो इसका मास बता सकते dx, ठीक है, dx तो हो गया, अब आप सोचो कि ये जो रॉड है वो दो पार्ट में बट गया, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट, जो इधर वाला पार्ट बचा उसका लेंथ कितना है बेटा, L माइनस x, ये x है तो ये L माइनस x होगा, समझा कि नहीं, ये हो जाएगा L माइनस x, इधर से x लेता हूँ, ठीक है, इधर से x लेता हूँ, x पे जाके हमने क्या किया, dx काटा, ओके, तो बताओ कि इस x पार्ट का, मतलब इधर वाला जो पार्ट है उसका मास कितना होगा, बता सकते हो, m बराबर, जल्दी बताओ इस पार्ट का मास कितना होगा, जल्दी बोलो, सेम है m बाय l और इनटू x, आगे बात समझ में। अब ये जो रॉड है, जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा और यहाँ पर कोई स्मूथ मतलब स्मूथ सरफेस है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इकलौता फोर्स क्या लग रहा है बेटा, F ही लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा रॉड क्या होगा, चलेगा, चलेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स अपॉन मास होगा, इतना क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन होगा, ओके बेटे, तो ये जो रॉड है ना, ये रॉड पर क्या होगा, इस तरफ एक टेंशन लगेगा और ये जो dx वाला पार्ट है उस पर इधर टेंशन लगेगा, तो ये वाला पार्ट का अगर मैं x वाले पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बोलूँ तो क्या बोलोगे, सर इधर टेंशन लग रहा है और पूरे रॉड के साथ ये भी आगे बढ़ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, f बाय m एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ रहा है, ओके, अब मैं अगर बोलूँ कि बेटा इसका फोर्स इक्वेशन लिखो, तो इकलौता फोर्स यही लग रहा है टेंशन, टेंशन बराबर क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है देखो, m बाय l इनटू x, इनटू एक्सेलरेशन कितना है, f अपॉन m, m और m कैंसिल हो गया, तो क्या आया, fx बाय l,
टेंशन आ गया। ओके, तो ये जो हमने छोटा सा स्ट्रिप काटा था कितने का, dx का, उस पर क्या लग रहा है बेटा, टेंशन लग रहा है। कितना लग रहा है, fx by l, इतना टेंशन लग रहा है। तो इस टेंशन की वजह से इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a है, तो मान लो कितना इंक्रीज हुआ बेटा, dl। तो dl बराबर क्या होगा, लेंथ में चेंज कितना होता है, fl by ay, है ना। फोर्स की जगह यहाँ क्या है बेटा, टेंशन है, तो टेंशन और लेंथ कितना है, dx है अपॉन a और y। सारी बात समझ में, तो बेटे टेंशन की वैल्यू रख लूं मैं, क्या हो गया एफ एक्स बाई एल ए वाई और डी एक्स, दिस इज, ये चेंज इन लेंथ किस में है, इस डी एक्स में है। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में लेना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेके एल तक। तो ये मुझे क्या दे देगा, टोटल चेंज इन लेंथ दे देगा। ठीक है, टोटल चेंज इन लेंथ मिल जाएगा अपने को, डेल एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, क्या क्या कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, एल ए वाई कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा जीरो से एल। जल्दी बोलो, आगे बोलो, क्या हो जाएगा, आगे तो आपको समझ में आ ही रहा है ना, एफ एल ए वाई और एल स्क्वायर बाई टू। ओके, समझ रहे हो, तो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है, एफ एल बाय टू ए वाई। तो चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एफ एल बाय टू ए वाई, ये भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। ओके, नोट डाउन कर लो। जाऊं, भगा रही मेरे को, नींद आ रही है, तकिया वकिया ला के दूं, बताओ, गद्दा वद्दा चाहिए, कंबल, है कि नहीं, फिर अच्छी नींद आएगी। देन
आगे बढ़ूं? चलो हेडिंग डालना, रिलेशन बिटवीन रॉड एंड स्प्रिंग, रिलेशन बिटवीन रॉड एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग समझते हो ना? हाँ, स्प्रिंग के बारे में कुछ याद है? कुछ याद है स्प्रिंग के बारे में? रखो, थोड़ा भी नहीं। स्प्रिंग वो होता है सर जो दबाने से दब जाता है, फिर छोड़ दो तो वापस आ जाता है, हैं? सही बोल रहा हूँ, यही होता है ना? यश मशके बोलो, यश मशके बोलो भाई, कुछ याद है स्प्रिंग के बारे में? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब कुछ याद है? कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी नहीं, ऐसा सपने सपने टाइप से, सपने में कभी कुछ ऐसा आया था, थोड़ा भी नहीं ना? कभी नाम भी नहीं सुना होगा, हरे रंग की एक चिड़िया होती है, उसके चार पैर होते हैं, दो मुंह होती है, हैं, तीन चोंच होते हैं, ऐसा कुछ नहीं सुना? ग्रेट, गुड, इतना मस्त सपोर्ट करते हो ना तुम लोग, क्या ही बताऊं मैं, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, समझे, हरियाली फैल जाती है एकदम से, इतना सपोर्ट करते हो। धन्य है हम जो आप लोग मिले हमें, क्या कहो, भाग्य हमारे आप हमारे यहाँ पधारे। चलो भाई, हमें ही सब कुछ सीखना है, आपको थोड़ी कुछ सीखना है। स्प्रिंग और रॉड, अगर हम एक स्प्रिंग में किसी वेट को लटकाएं तो वो भी क्या होता है, थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, ठीक। तो मान लो डेलिल, रॉड के साथ भी वही हो रहा है, रॉड भी क्या करें हम, अगर इस पर फोर्स लगाएं तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, इसका ओरिजिनल लेंथ एल रहे तो इसमें डेलिल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो याद करो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, ये फोर्स कितना होना चाहिए, के इंटू डेलिल। कुछ भी नहीं याद होगा क्या तुम लोग, इतना कठिन चीज है थोड़ी याद रह सकता है किसी को, बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है इसको याद करना, है ना, इसलिए आपको याद नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ये है ही इतना कठिन ना कि कोई याद ही नहीं कर सकता है, इतना टफ है ये, बाप रे, एफ बराबर के इंटू डेल एक्स, इतना टफ कैसे याद करें सर, आपकी कोई गलती नहीं है बेटा, ठीक है, ये याद नहीं रहता है जनरली, ठीक, तो बार बार मैं बता दिया करूँगा आप लोगों को, एग्ज़ाम में भी ज़रूरत पड़ेगा ना तो मैं वहाँ बता दिया करूँगा, सही है कि नहीं, ऐसे निश्चिंत बैठना एकदम से, बिना टेंशन के, मास्टर आएगा बता के जाएगा, है ना, फी भरे हो सब मास्टर करेगा, है कि नहीं, आपका कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं, पीछे क्या चीज़ होता है, पीछे की तुम लोग वो वाले कैटेगरी को, रात गई बात गई, कल जो पढ़ाया सर ने उसका अगले दिन कोई यूज़ ही नहीं हो सकता, है ना, अगले साल, अगले क्लास, अगले चैप्टर, उसका कोई यूज नहीं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, यही फिलॉसफी है ना तुम लोगों की, खूब तरक्की करोगे। यहाँ क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर हमने देखा कि वाई डेल एल बराबर हमारे पास क्या आया, एफ एल बाय ए वाई, है ना, ऐसा आया, तो एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई ए बाय एल डेल एल, ठीक है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगाने पर क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, यहाँ पर भी फोर्स लगाने पर क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, है ना, यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, के टाइम्स इलोंगेशन के बराबर होता है, इसको अपन स्प्रिंग कांस्टेंट कहा करते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट,
ओके। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी देखेंगे तो y क्या है, यंग्स मॉडुलस है जो कि एक कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है और डेल एल सेम है, ठीक है। एफ बराबर के इंटू डेल एल, तो दोनों क्या हो रहा है, सेम रिलेशन को फॉलो कर रहा है ना। तो ये जो कांस्टेंट है वैसा ही एक कांस्टेंट क्या है, यहाँ भी है ना। तो दोनों का जो रिलेशन है बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग और एक रॉड जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, अगर अगर क्या हो जाए, इस रॉड का सॉरी उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाए, y a by l हो जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक रॉड जो है वो इक्विवेलेंट टू एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट y a by l के बराबर होगा, y यंग्स मॉडुलस है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और l उसका लेंथ है, ठीक है। इतना कुछ लिखने के बाद लिख लेना यहाँ पे कि ए रॉड इज इक्विवेलेंट टू, ए रॉड इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू y a बाय l, नोट डाउन कर लो, पढ़ना नहीं लेकिन इसको सिर्फ नोट करके ना रख लेना, ओके। पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता आगे चल करके, ओके। सिर्फ इसको लिखना और लिख के जा करके कॉपी को क्या बोलते हैं, वो रद्दी पुराना सामान लेने आता है ना, उसको दे देने का और बदले में बुड्ढी का बाल खा लेने का, इसका कोई यूज नहीं है आगे चल के। ग्रेट, चलो पेज नंबर 564 पर आओ और क्वेश्चन बनाना शुरू करो। 12.8, 12.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहां तक पूरा कंप्लीट करो। तक
इसको डाउन। Thank you.